समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। एनडीए की तरफ से एलजेपी प्रत्याशी प्रिंस राज पासवान और महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. अशोक राम ने अपना पर्चा दाखिल किया है। जानकारी के मुताबिक प्रतिपक्ष होने की वजह से 23 से लेकर 27 तक कई उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल नहीं किया था। बता दें कि इस सीट से चौथी बार निर्वाचित सांसद रामचंद्र पासवान के निधन से इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। समस्तीपुर से धर्म विजय गुप्ता की रिपोर्ट। लोकसभा जहां पे चुनाव होना महज एक औपचारिकता है, सारी छहों की छह सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत हो रही है और इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बाकी जगहों पे भी मेरा कार्यक्रम लगा है। अभी चुनाव प्रचार में भी मैं वहां पर जाऊंगा, पर जो भी रुझान आ रहे हैं, मैंने पिछले लोकसभा में मैंने कहा था कि हम लोग 40 की 40 सीटें भी अगर हम लोग जीते तो आश्चर्य नहीं होगा। उस वक्त मेरी बातों को कोई मान नहीं रहा था, पर हकीकत भी ये कि 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, तो महज ये एक औपचारिकता है।